नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। पौड़ी जिले के विधानसभा श्रीनगर के पाबो में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। पाबो पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव के लिए कमर कसकर समर्पित भाव से कार्य करने को कहा। वही कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर बूथ को मजबूत कर घर घर जनसंपर्क अभियान को चलाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीनगर विधानसभा से उनका 20 साल से जुड़ाव है और यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मेरा समर्पण है और उनकी सेवा में मैं सदैव तत्पर। और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं श्रीनगर विधानसभा में ज्यादा समय नहीं दे सकता, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि आप सभी कांग्रेस को श्रीनगर विधानसभा में मजबूत करें। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी, पूर्व जिला अध्यक्ष तामेश्वर आर्य, प्रदेश महामंत्री रंजना रावत, प्रदेश सचिव मनोज रावत, युवा प्रदेश सचिव अमित, दीपक असवाल, पूर्व प्रमुख सुनील लिंगवाल सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस विधानसभा से मेरा पिछले 20 साल का राजनीतिक जुड़ाव रहा है और मैं आज जहां तक भी राजनीतिक क्षेत्र में पहुंचा हूं, उसमें यहां के सम्मानित मतदाताओं का, यहां के सम्मानित नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे मनों को टटोलने की आवश्यकता नहीं, यहां के लोगों के मनों से मेरे दिल का जुड़ाव नैसर्गिक रूप में है और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के रूप में मैं यदि पैदा हुआ हूं तो इसी क्षेत्र के लिए हुआ हूं, मेरा समर्पण इसी क्षेत्र के लिए है। इस बात को हमारे भाई और हमारी बहनें अच्छी तरीके से जानते हैं, तो टटोलने की बात नहीं है। हम एक दूसरे के मनों को अच्छी तरह जानते हैं, हमारे मन मिले हुए हैं और 2022 के इस चुनाव में हमने चर्चा की कि किस रूप में हम चुनाव को फतह कर सकते हैं। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं सबसे पहले खबर को पाने के लिए।